हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा नंबर सिस्टम से ही होगा। नंबर सिस्टम पर लगातार तीसरा क्लास आज चलने जा रहा है। यहाँ लिख दिया गया तीसरा क्लास है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ठीक है। नंबर सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम में पहला प्रश्न तो आपने पढ़ लिया, यहाँ 60 जो अंक है या 60 की जगह कोई भी अंक लिखा जा सकता है। 60 की जगह आप 65 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, 1380 भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आज जो अब जो मैं वीडियो में ये ट्रिक बताऊंगा, इसी के साथ कोई भी अंक को आप भाग दे सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं। देखिए इसे बनाने से पहले देखिए गुणनखंड विधि अगर देख लीजिए। 60 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड के हिंदी क्या होता है, भाग देना, ठीक है। तो 2 मरतब में हम 60 को कटाते हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक। फिर 2 से 15 दूना 30। अब देखिए बच्चे गलती यहाँ करते क्या है, देखिए यहाँ 15 होते, यहाँ बच्चे क्या करते हैं 5 लिख देते हैं और यहाँ 3, शॉर्टकट ट्रिक अपनाने लगते हैं। लेकिन नहीं, गुणनखंड विधि का मतलब होता है आप सबसे पहले छोटे संख्या से गुणनखंड विधि को भाग दीजिए, अगर उसे नहीं कटता है तो आप बड़े संख्या की ओर बढ़िए, ठीक है। 2 से अगर नहीं कटता तो 3 की ओर बढ़िए, 3 से नहीं कटता तब 4, तब जाकर आप 5 पाइए। लेकिन यहाँ तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15, ठीक। अब देखिए 5 है तो 5 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी या किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो यहाँ 5 ही लिखिएगा, तो 5 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ आपने 1 लिख लिया, ठीक। अब देखिए इसे बनाने से पहले जो संख्या है उसको लिख लीजिए, यहाँ 2 के स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर मैंने घात जो पूछ रहा क्या है, इसका मतलब यहाँ 2 गो 2 है, 2 गो 2 है। फिर 3 में आइए, 3 कितना है, 3 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, गुणा क्या चीज, मल्टीप्लाई, ठीक है। और 5 है तो 5 लिख लेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ आप गलती मत कीजिएगा, यहाँ गुणा मत करने लगिएगा, ठीक है। इसको गुणा करने से पहले आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ 2 जो लिखा हुआ है, 2 आपको क्या करना है, 1 जोड़ देना है, 1 प्लस कर देना है, 2 है तो यहाँ 3 आपका दीजिएगा, 3। मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह ही उतारिएगा, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह मत उतारिएगा। फिर 3 है, 3, और यहाँ देखिए 3 हमको मतलब नहीं रखना, 3 से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। हमको मतलब रखना है किससे, पावर जो घात है इसे मतलब रखना है। तो 1 है तो 1 में क्या करना है, जोड़ देना है, 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा। फिर 5 में 5 का घात कितना है, 1 है, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद 3 दूना 6 6 दूना 12। अब देखिए 12 कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। हम 60 में जब संख्याओं से किसी भी संख्याओं से भाग देते हैं तो हम 12 जो संख्या है, 12 जो आ रहा है, तो हम इसे स्पष्ट रूप से कटा देंगे, किसी 60 जो संख्या उसे 12 से हम कटा देंगे, 12 से हम कटा देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ क्या बदला है, अंक बदल गया, जो संख्या है वह बदल गया। पहले था 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ 360 है। बच्चे को अधिकांश क्या होता है, जो क्वेश्चन बनाते हैं उससे एक अधिक क्वेश्चन जानना चाहते हैं, देखिए हम वही कर रहे हैं। यहाँ 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या बताएं, हम वीडियो में पहला प्रश्न में क्या बताएं, गुणनखंड विधि। तो देखिए यहाँ 360 आप लिख लीजिए, ठीक है, गुणनखंड विधि सबको आना चाहिए, तो 2, ठीक। अब 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 180 दूना कितना होता है, 360 होता है। फिर 2 से हम कटाएंगे, अब 2 से कटाएंगे कितना होता है, 90 दूना कितना होता है, 180 होता है। फिर 2 से 45 दूना 90, ठीक। अब यह 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा कितना से, 3 से 15 45, ठीक। 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा,
फिर यहाँ तीन से काटेंगे, तीन पचे 15, ठीक, तीन पचे 15 हो जाएगा। अब ये जो कटेगा 5 एक ही मर्तब में कटेगा, ठीक है, एक मर्तब में कटेगा। अब क्या करना है, जो पहले जो प्रोसेस बताए थे और लिख लेना है। तो देखिए यहाँ 2 के घात कितना लिखेगा, 3 लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ 3 लिखने का मतलब है यहाँ 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई क्या कर दीजिएगा, चिन्ह दीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आप 3 लिखिएगा, 3 कितना है, 2 बार आ रहा। फिर आप यहाँ 5 लिखिएगा, 5 कितना बार आ रहा, 1 बार आ रहा, ठीक। तो आपको बताए थे कोई भी संख्या हो घात में, अगर यहाँ 10 लिखेगा तो आप 1 जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 की घात में कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 लिखा हुआ है तो 1 जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, 4 गुना यहाँ 2 लिखा हुआ तो 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 लिखा हुआ तो 2 जोड़ दीजिए, ठीक। 4 के हैं 12, 12 दुना 24, 24, ठीक है, 24 राइट आंसर हो जाएगा। 360 में आप भाग दीजिएगा तो 24 संख्या जो होगी, जो स्पष्ट रूप से 360 संख्या को काट सकती है, ठीक है, उसे आप भाग दे सकते हैं, 24 वो संख्या होती है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में आप लिख लीजिए ए बी सी डी, 24 राइट हो जाएगा, 28, 33, 45, ये 3 ऑप्शन जो होंगे नहीं होंगे, उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। बनाने की प्रोसेस सबसे पहले आपको यह आना चाहिए गुणनखंड विधि, उसके बाद आपको यह करना है। ऑप्शन दिया रहता है प्रश्न में, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, कोई भी छोटे एग्जाम में, यह आपके जानकारी के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 15 की पावर 25 है, ठीक है, मैं कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, यह अभाज्य गुणनखंड संख्या को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है, यहाँ 15 दिया हुआ है, 15 आप लिख लीजिए, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक। यहाँ 3 लिखेगा, 3 5 15, फिर 5, जो 5 जो संख्या होती है सिर्फ अपने से ही करती है या किसी संख्या से नहीं करती है, ठीक है, 5 हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 2 जो संख्या है 3 × 5, आप जो पहला दूसरा क्वेश्चन बताए थे उसके प्रोसेस पर आप यमन चलिएगा, ठीक है, जब भी चलिए। देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी संख्या होगा आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है, 1 और 1 2, ठीक, यहाँ 2 लिख दीजिएगा, 2 गुना, और देखिए 2 गुना 1 2, जो गुना लिखे हुए हैं कैसे आ गया, तो इसमें क्या होता है, देखिए 1 और 1 इसमें क्यों जोड़ना रहता है, तो 1 1 और जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 गुना, अब देखिए 2 गुना कर रहे थे, इसमें क्या करना है, ये जो संख्या है 25, घात में जो संख्या लिखा हुआ है 25, उसको हम क्या करना है, लिख लेंगे 25, ठीक, 2 × 25 50, ठीक, 50 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और जो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसमें दूसरा अलग प्रक्रिया चलता है, उसमें क्या चलता है, इसमें घात जो रहता है उसमें 1 जोड़ कर बनाते हैं, इसमें अलग है, यहाँ अगर इस तरह क्वेश्चन मिले आपको तो इस प्रक्रिया से बनता है, ठीक है।